है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या देखा? तो हम ध्यान से देखें तो हम कि पहली बात तो हमको अच्छे से पता है कि जो डिसीज है ये कौन सा है। ये फंगल डिसीज है, ठीक, ये फंगल डिसीज है। और ये उनकी क्लासिफिकेशंस हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनसे मतलब नहीं। हमको देखेंगे कि ये जो डिसीज है, डिसीज क्या है। तो डिसीज है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म वो जिसके थ्रू, या फिर वो पैथोजन जिसके थ्रू डिसीज होता है। पैथोजन का नाम क्या है? एल्बुगो कैंडिडा। तो क्या नाम है? एल्बुगो कैंडिडा। और होस्ट मतलब वो प्लांट जिससे होता है, ब्रैसिका प्लांट, ठीक, ब्रैसिका प्लांट। और ब्रैसिका वर्ड से आपको समझ में आ गया कि सरसों का पेड़ जो होता है ना, तो वही होता है ब्रैसिका प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिसीज है वो कौन सा, क्रूसिफर कौन सा जरिए हो, तो एल्बिगो कैंडिडा के जरिए ये होता है। और ये कैसा है? तो ये जो फंगल डिसीज होता है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ फंगल डिसीज है, तो आप बता सकते हैं कि वाइट रस्ट ऑफ इज ऑल्सो अ फंगल डिसीज, ठीक। जो है ये कैसा है, ये उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें, इस पौधे में ये जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसी हो चुका है। तो ये जो पौधा है, जैसे कि पौधे की जो पत्ती, तो इसमें जो ये स्पॉट्स होते हैं, क्या होते हैं? सफेद सफेद क्या हो जाते हैं? स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक। पत्ती के नीचे वाले हिस्से पे ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं। और जो उसका बड होता है, मतलब उसका जो फ्लावरिंग, उसके फ्लावरिंग पीस में क्या होता है कि इस तरह का, मतलब थोड़ा तो जनरेशन होती है, ठीक है, इतना हाइपर जनरेट हो जाता है। हाइपर जनरेट जैसे ये हो गया, तो जो हाइपर ट्रॉफी होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि जब क्या कहते हैं, सेल्स की जो जनरेशन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मतलब हमको समझ में आता है कि इन्फ्लुएंस कहाँ पे यूज होता है, जब उसके फूल जो होता है ना, फूल की जो बड़ होते हैं, इन्फ्लुएंस वहां पे होता है, ठीक। अब हम इसके बारे में पूरा देखते हैं। सिम्टम अपियर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। अब डायग्राम आप याद करो कि देखा कि ये पत्ती था, ठीक, इस तरह से सिम्टम हुआ। तो इसके जो लक्षण होते हैं कहाँ दिखते हैं? पत्ती के निचले हिस्से में दिखते हैं, वो भी कैसे? स्पॉट बन जाता है, स्पॉट मतलब थोड़ा गड्ढा गड्ढा हो जाता है, जो कि आगे चल के क्या होता है, थोड़ा पाउडरी फॉर्म में जाता है। छुओगे ना तो थोड़ा सा उभरा उभरा रहेगा और आपके हाथ में भी वो लग जाएगा, इस तरह से जाता। फिर होता क्या है, कुछ जगह मतलब थोड़े से फूल जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, ठीक, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। उसके बाद के जो फ्लावर होते हैं, जो इन्फ्लुएंसेस हमने इस तरह से देखे, यहाँ पे लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा सेल्स की वजह से, हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होता है कि गुच्छे टाइप में वो बाहर की तरफ उभर के आ जाते हैं, ठीक, बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। वो ज्यादा आती है। ट्रॉफी क्या होता है? जहां पे जो टिश्यू ग्रोथ होती है वो ज्यादा जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है इसमें कि जो हाइपर आना, पत्ती इस तरह से सिम्टम्स दिखाना, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये इंडिकेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इन द होस्ट टिश्यू। तो क्या होता है कि तो अगर इस तरह से बन गया, तो आप ये समझ लो कि वो पैथोजन आया है। कौन पैथोजन आया है? एल्बिगो कैंडिडा। जो कैंडिडा कैंडिडा एल्बिगो है, तो डीएल वो क्या कर रहा है बेसिकली, तो अब क्या कहते हैं, अपनी मतलब अपनी जनजाति को बढ़ा रहा है, ठीक, बढ़ा रहा है, जैसे अपने को बढ़ाएगा, जैसे जैसे अपना जनरेशन, अपना मतलब लाइफ साइकिल को बढ़ाएगा, उस को पौधे में
वो उस तरह का हमको लक्षण दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या कैसे हम इसके लक्षण पाते हैं, तो हम देखते हैं कि पत्ती खिलने वाले हिस्से में स्पॉट बन जाएगा, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो तना है वो जाएगा ट्विस्टेड मतलब मोटा हो जाएगा, और उसमें जो नंबर ऑफ टिश्यूज है ट्रोफिया और हाइपर प्लाजिया नंबर ऑफ सेल्स है वो हो जाएंगे, उनकी जो जनसंख्या वो जो है वो बढ़ जाएंगी। जब वो हो जब तना मोटा हो जाएगा एक्स्ट्रा, जितना नॉर्मल साइज का होना चाहिए था उतना नोके एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसमें चीजें मतलब जैसे कि अभी तक इतना जब सेल्स निकलना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पौधे में वाइट ट्रस्ट ऑफ कुछ जो डिसीज का नाम है वो लग गया है और एल्बिगो कैंडिडा जो आरंभ कर चुका है। ठीक, देखते हैं कि होस्ट पैथोजन इंटर रिलेशनशिप, होस्ट कौन है हमारा, हमारा पौधा है, पैथोजन कौन है, एल्बिगो कैंडिडा। ठीक, और होस्ट का नाम क्या है, किस पौधे में ये डिसीज हो रही है, बीमारी किस पौधे में हो रही है, तो ब्रैसिका मतलब सरसों का पेड़। ठीक, जो सरसों का पेड़ है उसमें ये बीमारी प्रारंभ हो रही है। तो एल्बिगो क्रूसिफर जो होता है वो ब्रैसिका में होता है मतलब कि सरसों के पेड़ में होता है, और एल्बिगो कैंडिडा की वजह से ही होता है, इसको करने वाला कौन होता है, एल्बिगो कैंडिडा। अब जो प्लांट है जो हमारा होस्ट है और जो पैथोजन है जिसमें हो रहा है, जिस जरिए हो रहा है जिसमें हो रहा है, उनके हम संबंध की बात करें तो हम देखते हैं कि जो पैथोजन है, पैथोजन कौन जो कर रहा है मतलब एल्बिगो कैंडिडा, जो एल्बिगो कैंडिडा है वो क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट। कौन से पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट वर्ड तो हमें ये समझ में आता है कि कोई भी जानवर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज, जीवन पर्याप्त जीवन चर्या वहां से अपना फूड ले। लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से पैरासाइट, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं कि क्या हो करते हैं, लेकिन और एब्लिगेट पैरासाइट की क्या खासियत होती है, तो इनकी एक और खासियत होती है कि अपना ये पूरा के पूरा जो जीवन चक्र है एक ही पौधे पे नहीं बिताते हैं। ठीक, इनकी एक और ये खासियत होती है, उसके बाद ये क्या करते हैं, तार है तो उसको वो अपने पहले देखेंगे कि वो उनका जिस पे वो बिता रहे अपना जीवन चक्र वो पौधा कैसा है, उसके बाद उस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक, ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसके बाद हम फिर बात करें तो सेल ये क्या करते हैं, ठीक हमको समझ में आ गया कि जो सेल्स होते हैं क्या करेंगे, सेल्स के अंदर जाकर अपना जीवन चक्र चलाएंगे मतलब लाइफ साइकिल प्रोसीड करेंगे, लाइफ साइकिल प्रोसीड के बाद पूरे सेल से क्या करेंगे, वो ये उसकी पूरी साइकिल कैसे उसकी साइकिल चल रही है, देखो ध्यान से
साइकिल देखोगे तो आपको पता चल शुरुआत। पे लगता है तो ये सेल्स के अंदर है और रिपोर्टिंग शुरू करता है। जब ये अपने रिपोर्टिंग शुरू करता है तो ये क्या करता है, बनाता है ठीक। कोनिडिया कैसे बनाता है ये, तो कोनिडिया जो होते हैं इस तरह से बनते हैं, इस तरह से कोनिडिया को। ये जब कोनिडिया बनाता है तो क्या होता है कि जो कोनिडिया है ये क्या होते हैं कि और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जब ये तेजी से बढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि इनका जो साइकिल है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वो उनकी प्रजाति बढ़ती रहती है ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा कि कोनिडिया बड़े हो गए। अब जब क्या कहते हैं कोनिडिया बड़े जाएंगे तो कोनिडिया बड़े होने के बाद मैच्योर होके क्या करेंगे, कोनिडियम मतलब ये क्या होगी फीमेल की बात चली है, और एंथ्रिडियम, एंथ्रिडियम मतलब मेल। फिर मेल और फीमेल का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि ऊ स्पोर बनेगा। जब ऊ स्पोर बनेगा तो जो ये ऊ स्पोर है वो क्या करेगा कि वो सेल्स में तो जा ही चुका है, अब वो ऊ स्पोर जो है वो जू स्पोर बना के बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद वो दूसरी जगह अपना वहां प्रक्रिया शुरू कर देगा ठीक। तो कुल मिला के हमने प्रक्रिया क्या देखी कि समझो किसी पत्ती में आके, किसी पौधे में जैसे कि ब्रैसिका में है तो ब्रैसिका में आके लग गया। अब लगने के बाद जो इंटर सेल्स है मतलब सेल के अंदर जाएगा, अपने लाइफ साइकिल बढ़ाएगा, अपनी प्रजाति को बढ़ाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, जब वो कोनिडियाज बनाएगा तो कोनिडिया से क्या हुआ कि कोनिडियो से कहते हैं उगोनियम और एंथिडियम। उगोनियम और एंथिडियम जब बनेगा, उगोनियम किसका होता है फीमेल का होता है ठीक, एंथ्रिडियम किसका होता है तो मेल का होता है। जब मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो स्पोर बनाएगा। जैसे कि क्या होता है ह्यूमन में, क्या होता है कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब फर्टिलाइजेशन तो वो जो जायगोट बनता है ये प्रक्रिया होती है, तो उसी तरह यहाँ पे वो स्पोर बनेगा। जब वो जो जिनका फर्टिलाइजेशन हुआ, जो बेबीज बाहर आएंगे तो वो बेबीज क्या होंगे, जू स्पोर होंगे ठीक। जो बेबी हैं है अब दिख रही है स्क्रीन तो ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वो जब जाएगा तो वो फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ फिर ऊ स्पोर बनाया। अब ऊ स्पोर से फिर वो क्या करेगा, जू स्पोर बनेगा। जू स्पोर के बाद वो क्या करते हैं, वो जो ये सेल है, ये सेल कौन सा, ये जो भी पैथोजन है, पैथोजन का ये क्या है, बेबी, बेबी पैथोजन। अब ये बेबी पैथोजन नाम भर का बेबी है, लेकिन क्या काम करेगा, ये जाएगा फिर से जो पत्ती है पत्ती पे जाएगा और उसको वहां पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद फिर वो भी अपनी लाइफ साइकिल को इस तरह से प्रोसीड करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा ठीक। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं उनको हम जान लेते हैं। अगर आपको डायग्राम क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये सब भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है द डिसीज, वो बीमारी इन द सॉइल ब्रॉन जो कि जमीन से मिट्टी से होती हैज द फर्स्ट इंक्लूड इन द सर्वाइव इन द प्लांट डिजर्व। देखो बेसिकली क्या कहता है, कह रहा है कि ये जो बीमारी होती है, जो ब्रैसिका में बीमारी होती है, मतलब बाई ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो डिसीज है, जो कि एल्बिगो कैंडिडा के जरिए होती है, और कौन से पेड़ में होती है, ब्रैसिका में मतलब सरसों के पेड़ में जो होती है ये बीमारी, तो ये क्या होता है कि मिट्टी से होती है ठीक, मिट्टी से होती है। क्या होता है कि फर्स्ट इंफ्लेमेशन मतलब जहां पे पहले पैथोजन रहे, तो पैथोजन जो है वो पहले मिट्टी में रहता है, मिट्टी के बाद क्या होता है वो पेड़ों में जाता है, और पेड़ में जाने के बाद क्या करता है कि वो ऊ स्पोर बनाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही ऊ स्पोर बनेगा ठीक।
और फिर वो स्पोर से जू स्पोर बनाता है। जब जू स्पोर बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बेबी पैथोजन अब आ चुका है। तो वो जो फ्लैजला होता है ना उसमें, फ्लैजला मतलब बेसिकली इस तरह से होता है, जैसे कि है ये जो होता है ये फैजला इसको कहते हैं। ये फैजला हेल्प क्या करता है, तो फैजला जो है उसको आगे बढ़ने में, जैसे कि हमारे हाथ पैर है ना, तो सेम हमारे हाथ पैर क्या हुए, फैजला हुए, तो सेम उसी तरह अगर उनमें फैजला प्रेजेंट है तो मतलब उनका वो हाथ पैर उनको चलता है, वो आगे बढ़ाता है। और इस तरह से क्या होता है कि वो जर्मिनेशन ट्यूब बनाते हैं। जर्मिनेशन ट्यूब कैसे बनता है, जैसे कि कोई पैथोजन है ये, तो ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये हाइफन है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ट्यूब। जर्मिनेशन ट्यूब और कैसे होता है कि समझो ये पैथोजन है, इसके आगे ऐसे निकला होता है, तो ये जो आगे का ये जो निकला हुआ चीज है इसी से क्या होगा, हाइफन हाइफी सब बनेगा, ठीक, इसी से आगे बढ़ेगा, इसी से फिर कहते हैं आगे बढ़ के फिर क्या होगा कि वो एंजियोस्पोर एंथ्रिडियम बनाएगा, फिर ओगोनियम बनाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, इसी तरह से प्रक्रिया बढ़ेगी। कि जो जर्मिनेशन ट्यूब है, इस जर्मिनेशन ट्यूब क्या करता है कि जा टोमेटा की जो ओपनिंग, आपको पता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू करता है, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रारंभ होती है दिन के समय में, तब उस समय क्या होता है, स्टोमेटा होता है ओपन, ठीक। तो जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ये क्या करेगा, जर्मिनेशन ट्यूब वहां के जाके सेल्स में बैठ जाएगा, और वहां पे जाके जब वो बैठ जाएगा तो वो क्या करेगा बैठने के बाद, कि अपने आप को वो आगे की तरफ बढ़ाएगा, उसको अब वो अपने आप को प्रोड्यूस करेगा, उसको अब जगह मिल गई आने की, ठीक। इससे क्या होगा उसके बाद, इसी तरह से जो होस्ट और पैथोजन है, मतलब होस्ट में जो पैथोजन है, जो प्लांट है ब्रेसिका, हमारा प्लांट है सरसों का पेड़ है, उसमें जो एल्बिगो कैंडिडा जो पैथोजन है, जो एजेंट है जो कि कॉज कर रहा है डिसीज, कौन सा डिसीज कॉज कर रहा है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो वाइट ऑफ क्रूसीफर एल्बिगो कैंडिडा ये बीमारी कॉज कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो क्या करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कोनिडिया का रिप्रोडक्शन होता है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगा, और पत्ती के निचले वाले हिस्से पे हमको देखने को मिलेगा, जैसे हमारी ये पत्ती है, रुको बताते हैं, समझो ये हमारी पत्ती है, ठीक। अब ये जो हमारी पत्ती है इसके निचले वाले हिस्से पे कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, शाइनी करने का मिलेगा, सफेद सफेद ऐसे दागी लग जाएगी, और फिर अगर आप उसको, फिर क्या होगा, दाग जो सफेद लगेगा फिर उसको आप छुओगे तो वो पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर भी, पाउडरी मतलब ऐसे कि आप उसको हाथ पे छुओ तो आपके हाथ पे वो लग जाएगा, ठीक। वो क्या करेगा, यहाँ पे एक सिम्टम उसमें दिखा दिया कि ये बीमारी यहाँ पे आ चुकी है, और कहाँ पे लगेगा, और आपके इन्फ्लुएंसेस में लगेगा, मतलब जैसे कि जो फूल होते हैं ना उनमें लगेगा, ऐसे है ऐसे लगेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा जनरेशन हो जाएगा, जिसको हम हाइपर प्लाजिया और हाइपर ट्रॉफी भी कहते हैं। हाइपर प्लाजिया क्या होते हैं, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और हाइपर ट्रॉफी क्या होती है, जब नंबर ऑफ टिश्यू बढ़ते हैं, तो उनकी जब ग्रोथ हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अब उनमें जो मतलब कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है आगे की तरफ बढ़ चुका है, ठीक। और ये जो सफेद सफेद लगता है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स, ठीक है। ये कोनिडियोफोर्स जो होंगे ये क्या करेंगे कि पूरे पत्ती के नीचे वाले हिस्से में लग जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि सेकंड इंक्लुमेशन चलेगा। सेकंड इंक्लुमेशन मतलब इनका दूसरा जनरेशन चलेगा, मतलब कि सेकंड इंक्लुमेशन वो होता है, जैसे कि फर्स्ट इंक्लुमेशन कैसे हुआ, समझो हमारे मम्मी पापा हैं, वो क्या है हमारे फर्स्ट इंक्लुमेशन, ठीक। अब जो हम हैं वो उनके, हम क्या हैं, हम उनके सेकंड हैं, उनसे हम प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक। तो उनसे जब हम प्रोड्यूस हुए तो वो सेकंड इंक्लुमेशन हुआ, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन फिर से होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर से ऊ स्पोर आएगा, ऊ स्पोर से फिर जू स्पोर बनेगा, और जू स्पोर से क्या कहते हैं वो जर्मिनेशन ट्यूब जो है फिर से जाके, मतलब वो जो पैथोजन बेबी पैथोजन है वो जर्मिनेशन ट्यूब के जरिए जाके फिर बैठेगा, और बैठने के बाद क्या करेगा, फिर से अपने जीवन प्रक्रिया को वो आगे की तरफ बढ़ाएगा। इस तरह से क्या होगा कि देखो लिखा हुआ ना, ऊ स्पोर प्रोड्यूस सेक्सुअली, फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर इंक्लुमेशन बनाएगा, और इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन तक वो लगातार चलता रहेगा। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से जो डिसीज है, जो बीमारी है, वो आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, ठीक। अब इनके रोकने के भी कुछ उपचार हैं, आखिर में इन्हें रोक कैसे सकते हैं, तो हम रोक कैसे सकते हैं कि पहले हम क्रॉप जो हमारी जो फसल है उसको हम उसकी सुरक्षा करें, फिर उसके बाद जिस क्रॉप में जिस फसल में, क्योंकि हमने जब पढ़ा था फंगीसाइड, तो फंगीसाइड में हमने देखा था कि काफी सारे
ऐसे जो केमिकल्स होते हैं, क्योंकि हमने फिजिकल थेरेपी और केमिकल थेरेपी, कंट्रोल ऑफ डिसीज में फिजिकल थेरेपी और केमिकल थेरेपी दोनों देखी थी। तो हमने देखा था कि केमिकल थेरेपी में जो फंगीसाइड के लिए था, तो फंगीसाइड के लिए क्या था, एक सल्फाइड था और एक ब्रोक्साइड था। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेके ब्रोक्साइड मिक्सचर को लेके जहाँ पे हुआ है डिजीज, जहाँ पे वो बीमारी हुई है, वहां पे उसको छिड़काव कर देंगे। ठीक, छिड़काव करने से ये क्या होगा कि इससे फंगी जो लग रहे हैं, जो फंगस बढ़ रहा है, वो रुक जाएगा, वो वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद और क्या होगा कि जो खराब पेड़ हो गए हैं उनको हम क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। और एक और क्या तरीका कर सकते हैं कि हम डिसीज रेजिस्टेंस जो वैरायटी क्रॉप होते हैं उनको यूज करें। डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी क्रॉप क्या होते हैं, हम कलम पढ़े थे हम लोग, क्या होता है उनमें कि वो जैसे कि बीटी क्रॉप हुए आपके ना, HYV क्रॉप हुए, तो इनमें क्या होता है कि डिसीज रेजिस्टेंस होता है। इसमें पहले से ही जब पौधा बनाया जाता है तो उससे पहले ही पौधे में ये गुणवत्ता, ये इम्यूनाइजेशन डाल दी जाती है कि जिससे उस पौधे को कोई नष्ट न कर पाए। जैसे कि अगर कोई पैथोजन उसको खाने भी आता है ना, कोई बाहर का एजेंट अगर उसको खाने भी आता है, तो क्या होता है कि उस चीज में उसके गले में क्या कहते हैं, एक सूजन सी आती है, और गले में भोजन न जाने की वजह से क्या होता है, जो पैथोजन है वो क्या हो जाता है, वहीं पे किल हो जाता है। जैसे कि हम एक छोटा सा कीड़ा बना देते हैं, समझे, कीड़ा है, तो क्या होगा, इसके यहाँ पे सूजन सी जाएगी, तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, भोजन नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डेथ हो जाएगी इसकी। ठीक, देखो ये दिखा रहे हैं सेक्स ऑर्गन कैसे बनता है। तो ये क्या है कि ओगोनियम है, ओगोनियम क्या होती है, ये फीमेल होती है, और एंथ्रिडियम क्या होता है, ये मेल होता है। ठीक, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनाता है, वो स्पोर बनाता है, वो स्पोर आगे चल के क्या बनाता है, जू स्पोर बनाता है। ठीक,